हाय गाइस, टेकबॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इसलिए सैमसंग A6, ओके गाइस, इसका मॉडल नेम है, उसके बाद इसका मॉडल नंबर भी है, सैमसंग A600G, मतलब A600G। ओके गाइस, इसका लगा FRP। उधर पीसी से FRP को कैसे रिमूव करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहा है। सबसे पहले इसका जो मॉडल नंबर है, मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। Enable accessibility mode. Continue holding the screen with two fingers until you hear a देखिए beep. कैसे यहाँ पे लिखा हुआ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, देखिए कैसे SMA600GDS। ओके गैस, इसका मॉडल नंबर है। और सबसे पहले गैस, और एक बात, इसका जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी लॉक है, मतलब एंड्रॉयड एंड्रॉयड भाषण है 8.9.0, मतलब एंड्रॉयड 9.5 है। ओके, जो एंड्रॉयड 9.5 के ऊपर जो FRP लॉक लगा है हुआ है, मैं इसके ऊपर मैं FRP बाईपास करके दिखा दूंगा। मैं जैसे जैसे करूंगा, अब भी जैसे करना, 100% FRP अनलॉक हो जाएगा। कैसे, एक बात, ये 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी लॉक है, मैं इसको रिमूव करके दिखा दूंगा। मैं जैसे करूंगा, अब भी जैसे करना, 100% काम करेगा आपका हैंडसेट में। ओके, सबसे पहले कैसे इसका FRP को बाईपास करने के लिए एक अच्छा सा सिम कार्ड लगेगा, मतलब आपको सिम कार्ड को लॉक लगा लेना है। सबसे पहले एक कीबोर्ड मोबाइल में लगा के सेटिंग में जाके पिन लॉक लगा लेना, मतलब सिम को लॉक लगा लेना। ओके, माज भी आपको सिम को लॉक होना चाहिए, नहीं तो ट्रिक काम करेगा। लॉक हुआ तो ट्रिक काम करेगा, लॉक नहीं करोगे तो ट्रिक काम नहीं करेगा। उसके बाद वो सिम ओपनर भी चाहिए, एक सिम ओपनर भी ले लेना। उसके बाद इसका FRP लॉक लगा होकर मैं चेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके गाइस, फिर से बता रहा हूँ, 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी लॉक है। ओके, मैं इसके ऊपर FRP अनलॉक करके दिखा दूंगा। ओके, स्टार्ट में स्टार्ट कर देना है, सिंपली से आई एफ में टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट। उसके बाद स्किप दिस फॉर नाउ पे टिक करके नेक्स्ट। कैसे, एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वाईफाई के साथ कनेक्ट करेगा तो ठीक काम करेगा। ओके, मास्ट भी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मेरा वाला मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अभी अपने वाला ध्यान से कर लेना। देखिए हो गया, उसके बाद चेकिंग ले रहा है, देखिए किस कनेक्ट भी हो गया, जो नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो इसका लॉक लगा हुआ कि नहीं, मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए पैटर्न तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है। उसके बाद यूज़ माई गूगल अकाउंट में जाकर दिखा दे रहा हूँ, सिंपली से। देखिए नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, और ईमेल आईडी तो मेरे को मालूम नहीं है कौन सा है, मतलब FRP लॉक लग चुका है। चलिए गाइस, बिना शबक गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे, एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑन में प्रेस कर देना, इसी तरीके नया टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो नहीं किए तो गैस कैस प्लीज फॉलो भी कर लेना। ओके गैस, सबसे पहले गैस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना, वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना, गलती से एक भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो FRP अनलॉक नहीं होगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देख भी लेना। ओके, सबसे पहले कैसे हमें जाना है वाईफाई नेटवर्क पर। ओके, देखिए वाईफाई नेटवर्क पे आ जाइए, देखिए ध्यान से देखिए वाईफाई नेटवर्क पे आ जाना है। उसके बाद आपको करना है सिम को ठीक तरह से बैठा लेना है। ओके गाइस, सिम को ठीक तरह से यहाँ पे बैठा लेना। सिम जो ठीक तरीके बैठा लेना गाइस, अभी देखिए सिम को लगाने है, ध्यान से सुनिए। ओके गाइस, तब सिम को यहाँ पे लगाओगे। ओके गाइस, मैं दिखा दे रहा हूँ, तब सिम को इसे लगाओगे। सिम को लगाने के बाद उसी टाइम में आपको नेक्स्ट में टिक कर देना है। ओके गाइस, देखिए सिम को लगाने के बाद उसी टाइम में नेक्स्ट में टिक कर देना है। देखिए सिम को लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट में टिक कर देना, ऑटोमेटिकली आपको लॉक हो जाएगा डिवाइस। ओके गाइस, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तब सिम को आप अभी रिमूव करोगे, सिम को रिमूव करने के साथ में आप ओके का ऑप्शन आएगा। बस गाइस, एक बात, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। ओके, फास्ट करेगा तो ट्रिक काम करेगा, स्लो होगा तो काम नहीं करेगा। जब सिम को रिमूव करोगे, यहाँ के ओके ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे टिक करना है। यहाँ के आइकॉन दिखाई दे रहा है, दिखाएगा, आइकॉन में टिक कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर स्वाइप करके ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रहा है, उसी टाइम में आपको सेटिंग में टिक कर देना है। ओके, जब सेटिंग में टिक कर देगा, ऑटोमेटिक जो नीचे आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ट्रिक क्या करना है मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, मैं सिम को रिमूव कर रहा हूँ। ओके गाइस, देखिए गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए सिम को रिमूव कर दिया, ओके पे टिक कर देना, आइकॉन दिखाई दिया, उसके बाद सेटिंग में टिक कर देना, नहीं हुआ फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए सिम को लगा दिया, लगाने के बाद नेक्स्ट कर देना है सिंपली से। उसके बाद डिवाइस तो लॉक हो गया, उसके बाद सिम को रिमूव करके देखिए
सिम को रिमूव कर दिया, उसके बाद ओके पे टिक करके आइकॉन में टिक करके सेटिंग में टिक कर देना, देखिए सबका जो सेटिंग है स्टॉप हो जाएगा। ओके गैस, जो ऊपर से आइकॉन आएगा स्टॉप हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे करना है गैस। देखिए तब सिम को रिमूव करेंगे, ओके रिमूव करने के बाद देखिए, इसके बाद रिमूव कर दे रहा हूँ, रिमूव करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, देखिए कैसे यहाँ नीचे ओके का ऑप्शन आएगा, ओके में टिक करके आइकॉन में टिक करके सेटिंग में चला जाइए, उसके बाद आपका कुछ इस तरह का नेपस आएगा, उसके बाद चार्ज बार में आपको लिखना है गैस कोरोम, ओके CHORO ME। ओके गैस सिंपली से आपको क्रोम में लिख लेना है, उसके बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद नो थैंक्स कर देना है। नो थैंक्स करने के बाद आपको सबसे पहले गैस यहाँ पे लिखना क्या है, VNROM, देखिए गैस VNROM। उसके बाद सिंपली से आपको गो पे टिक कर देना है, गो पे टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद बाईपास गूगल अकाउंट 2019 VNROM.NET देखा था, सिंपली से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ओके टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, उसके बाद सिंपली से आपको कैसे करना क्या है, नीचे चले जाइए, यहाँ से हमें कैसे करना क्या है, 2 APK को डाउनलोड करना है। सबसे पहले कैसे देखिए Android 8.9 GSM APK को इसको ब्लॉक कर दीजिए, देखिए Android 8.9 GSM APK को, उसके बाद FRP बाईपास APK को। ओके गैस Android 8.9 GSM APK का मतलब है गैस हमारा जो एंड्रॉइड डिवाइस है 9.0 Pi है, ओके इसलिए Android 8.9 GSM APK को सबसे पहले डाउनलोड करना है। सिंपली से आपको यहाँ पर टिक करके डाउनलोड पे बैठा दीजिए, उसके बाद इसको पैक कर दीजिए, नहीं तो फिर पैक करके फिर से बैठा दीजिए, कंटिन्यू पूछेगा गैस। ओके ठीक है, हो रहा है, ऊपर चार्ज ले रहा है, कंटिन्यू करना है माज भी, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा, कंटिन्यू कर देना, उसके बाद एलाओ भी कर देना, उसके बाद ओके कर देना, डाउनलोड कहाँ पर है वो भी देखा जाए बाद में। उसके बाद FRP बाईपास को सेम प्रोसेस से टिक करके इंस्टॉल कर लेना, ओके ओके कर देना, उसको देखिए राइट में थ्री डॉट देखा था इस पर टिक कर देना, उसको डाउनलोड में चले जाइए, देखिए दोनों डाउनलोड हो गया। ओके गैस कुछ चेक करने मत कर, सबसे पहले हमें गैस करना क्या है गैस, हमें गैस Android 8.9 GSM APK को सिंपली से हमको टिक लगा के इंस्टॉल कर देना है। ओके टिक करके सेटिंग में चले जाइए, उसके बाद इसको एनेबल कर देके बैक कर दीजिए, उसके बाद हमें स्टॉल पे बैठा देना है, सिंपली से स्टॉल हो रहा है, होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके गैस देखिए इंस्टॉल हो गया, सिंपली से इंस्टॉल में सीधा हमको करना है डन, डन हो गया। उसके बाद FRP बाईपास APK को सेम प्रोसेस पे टिक करके इंस्टॉल कर देना, देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल कर देना है। ओके गैस इंस्टॉल हो रहा है गैस, उसके बाद इसको इंस्टॉल होने के बाद सीधा हमें करना है ओपन। ओके गैस गलती से डन मत करना, देखिए ओपन कर देना है, ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ओके इंटरफेस खुलने के बाद गैस आपको करना है सिंपली से हमको राइट में थ्री डॉट देखा जाए इसमें टिक करके ब्राउज़र साइन इन में चले जाइए, उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको करना है गैस कोई भी ईमेल आईडी और आपको करना है पासवर्ड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके चाहिए तो बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखिए क्रिएट अकाउंट है, ओके मेरा तो बना हुआ है, मैं ऑलरेडी बैठा रहा हूँ। ओके देखिए बैठा चुका हूँ मेरा ईमेल आईडी, उसके बाद सिंपली से नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद पासवर्ड भी बैठाना है, पासवर्ड को आपको नहीं दिखाऊंगा, देखिए गैस पासवर्ड भी बैठा चुका हूँ। उसके बाद सिंपली से आपको करना है साइन इन में टिक कर देना है, साइन इन में टिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली साइन इन होने लगेगा। ओके साइन इन हो रहा है, होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए, देखिए गैस हो गया। उसके बाद सिंपली से करना है पावर बटन को होल्ड टाइम प्रेस करके मोबाइल को करना है रिबूट, मतलब रिस्टार्ट कर देना है, देखिए रिस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, रिस्टार्ट कर देना। ओके रिस्टार्ट हो रहा है, होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके गाइस गाइस एक बार वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, आपकी एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है, और दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना था कमेंट्स में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और मैं प्रेस कर देना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी वीडियो आपको इधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो गाइस प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। ओके गाइस वीडियो देखिए स्टार्टिंग एंड्रॉइड आ गया, देखिए डिवाइस ऑन हो गया। उसके बाद कैसे करना है गैस, सिंपली से आपको करना है गैस यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद आई एप पे टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है, देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, लेने से चेकआउट ले रहा है। उसके बाद आपको कैसे करना है सिंपली से देखिए गैस स्किप दिस फॉर नाउ पे टिक करके नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट कर देना है, देखिए चेक फॉर अपडेट ले रहा है, लेने दीजिए। ओके गैस इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ओके उसके बाद इसका जो FRP बाईपास हुआ है कि नहीं मैं चेक दिखा दे रहा हूँ। ओके गैस देखिए अकाउंट ऐड हो चुका है, जब मैंने पहले वाला अकाउंट था बाईपास होकर नया सा अकाउंट ऐड हो चुका है, मतलब FRP बाईपास हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कुछ ओके उसके बाद नेक्स्ट कर देना सिंपली से, उसके बाद सिंपली से हमें नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद हमें क्या करना है नोट नाव पे टिक कर देना है, नोट नाव पे।
उसके बाद हमें स्किप कर देना है। उसके बाद ऊपर स्वाइप करके एक्सेप्ट में टिक कर देना है। उसको तो हमें सिंपली से, उसके बाद हमें नीचे चले जाइए, उसके बाद ओके पे टिक कर देना। प्रोसेसिंग ले, उसके बाद हमें नीचे देखिए स्किप कर देना है। उसके बाद फिर से स्किप, उसके बाद देखिए फिनिश आ गया, फिनिश में टिक कर देना है सिंपली से। उसको तो इसे कंटिन्यू कर देना है, स्किप स्किप। उसको तो हमें यहाँ पे टिक करके, टिक लगा के ये सब टिक मार्क को हटा देना, नहीं तो सब इंस्टॉल होने लगेगा। हो गया, उसके बाद फिनिश कर देना है। लीजिए गया, सबका मोबाइल हो गया तैयार। गया चल, अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या, हमें वाईफाई को बंद कर देना। उसके बाद मोबाइल को सेटिंग में चले जाइए। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले गाइस जाना है, गाइस अकाउंट इन बैकअप में जाना है। उसके बाद जो फिर से अकाउंट में चले जाइए। उसके बाद जो जीमेल लगाना है आपको करना है रिमूव, नहीं तो कस्टमर को मिल जाएगा आपको। गाइस रिमूव हो गया। उसको रिमूव करने के बाद आपको जाना है एप्स इस नोटिफिकेशन में, मतलब एप्लीकेशन उसके लगे समय जाना है एप्स में। देखिए गाइस एप्स आ गया, एप्स में टिक कर देना है, शुरू कर देना है। ओके गाइस किधर गया, ये देखिए गाइस एफ आई पी बाइबस को हमें करना है अनइंस्टॉल। उसके बाद हमें गूगल अकाउंट मैनेजर को भी अनइंस्टॉल कर, चाहिए तो मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गूगल अकाउंट चाहिए तो मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल जी गैस आपको मोबाइल हो गया, आप तैयार। ओके गैस गैस के बाद वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना है, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है। दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना तो कमेंट से कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और मैं प्रेस कर देना। इसी देखिए टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको उधर को हो जाएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो गैस प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग।